हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल सारे नूं। तुहाडा साडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BEH क्लासेस ते बहुत बहुत स्वागत है। आपां अज क्लास स्टार्ट करन जा रहे हां क्लास सेकंड। कल आपां अपनी फर्स्ट क्लास तैयार कीती सीगी, फर्स्ट क्लास दित्ती सी तुहानू, ते तुसी उस क्लास नूं बहुत बहुत प्यार दित्ता, इसलिए बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। अज आपां उसे सीरीज़ नूं अगे लैके चल रहे हां। आपां कर रहे सी पंजाब होर्टीकल्चर सुपरवाइजर दी वैकेंसी वास्ते जिहड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह तुहानू क्वेश्चनस मिलणगे MCQ दी फॉर्म विच इस क्लास विच। तो आपां अपनी क्लास नूं अगे वधांदे हां। फिर तो तुहानूं दस दिए कि जे तुसी कोई भी टैसट लगाना चाहते हो तो तुसी www.testmafia.in ये साड़ी वैबसाइट है, इस ते जाके कोई भी टैसट परचेज कर सकते हो। जो टैसट तुहानूं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ 900 दे ऑफ ते 99 रुपीज़ तुहानूं मिल जाएंगे सारे टैसट। तो जे तुसी इस क्लास की PDF भी डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साड़ी वैबसाइट ते जाके PDF नूं भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपां की करना है, आपां अपनी जिहड़े वैबसाइट है इहनूं तुहाडे दोस्तां नाल तुसी शेयर करना है। सारे दोस्त जिहड़े भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, भावें वह बैंक है, SSC है, रेलवे है, डिफेंस है, जां कोई भी एग्जाम की कॉम्पीटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन्होंने ये जरूर दसना है कि वैबसाइट है www.testmafia.in जिंदे ते बहुत वधिया टैसट पए ने, ते सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़। ते जे तुसी अपने पंजाब होर्टीकल्चर सुपरवाइजर दी वैकेंसी लई जे तुसी बैच लेना चाहते हो तो तुहानू ऑनलाइन बैच ही मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच। अगर तुसी बैच लेना चाहते हो तो तुसी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7597500075 ते। ठीक है जी, ते तुहानूं सिलेबस वाइज बुक्स भी मिल जाएंगी जिंदे विच तुहानूं क्वेश्चन भी मिलेंगे, बुक्स दे विच तुहानूं क्वेश्चन भी मिलेंगे MCQ दी फॉर्म विच। तो तुसी वध तो वध वीडियो नूं भी शेयर करो, प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन वजा लो, जो कि असीं जिवें वीडियो पाईए तो तुसी तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जाए, तो तुसी वीडियो नूं वेख के अपने पेपर विच हैल्प लै सको। तो आपां तुहाडा ज़्यादा टाइम नहीं लैंदे ते वधदे हां अगे अज दी सीरीज़ च। कल आपां 15 क्वेश्चन किए थे तो अज आपां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 16वां। तो पहला जो क्वेश्चन है साडा वो है बबल सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन, कहिंदा है कि सिंचाई की जिहड़ी बुलबुला प्रणाली है उनका अभ्यास कित्थे कीता जांदा है। जिहड़ी बुलबुला प्रणाली है बबल सिस्टम नाल जिहड़ी आपां सिंचाई करते हाँ वो आपां यूज़ करते हाँ वाइल्डली स्पेस्ड फ्रूट और चार। ठीक है, जिहड़े बगीचों में दूर दूर फलों के बगीचे दूर दूर जिंदे ते पेड़ पौधे लगे होंगे उनके आप सिंचाई की बुलबुला प्रणाली का अभ्यास करते हाँ जां बबल सिस्टम का यूज़ करते हाँ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साडा द टाइप ऑफ वाटर हैल्ड इन बिटवीन प्रैशर 1/3 ATM टू 31 ATM। पहला तो तुहानू पता होना चाहिए कि जिहड़ी प्रैशर की यूनिट होंदी है वो ATM च होंदी है। ठीक है, प्रैशर की यूनिट की होंदी है ATM। तो कहिंदा है कि किस तरह का पानी है जिंदा प्रैशर 1/3 ATM तो 31 ATM के विच ही रखा जाता है, केड़ा पानी 1/3 ATM तो 31 ATM के दबा के विचकार रखा जाता है, तो वह ताड़ा कैपिलरी वाटर। केड़ा है? कैपिलरी वाटर, इनू हिंदी आप कहने केशिका नल द्रव। ठीक है जी, तो अगे वधने अगला क्वेश्चन है साडा YMC ऑफ भिंडी इज ट्रांसमिटिड बाय द पेस्ट, कि जिहड़ी भिंडी दे विच YMC रोग हुंदा या कीट हुंदा है वह किस कीट द्वारा फैलता है, जिहड़ा YMC रोग हुंदा है वह किस कीट द्वारा फैलता है। तो तुहानूं इह याद करना है कि भिंडी विच जिहड़ा YMC रोग हुंदा है वह वाइट फ्लाई यानी ए ऑप्शन वाइट फ्लाई द्वारा फैलता है। ठीक है जी, अगे वधीए, अगला क्वेश्चन है साडा विच सॉइल फेवर्स एंड मेक फ्यूसेरियम वेल्ट सीवियर ऑन क्रॉप, केड़ी मिट्टी है जिहड़ी फसल दे उत्ते की बना देंदी है फ्यूसेरियम विल्ट बना देंदी है। ठीक है, एक रोग हुंदा है फ्यूसेरियम विल्ट, केड़ी मिट्टी है कि जिहड़ी बना नहीं देंदी, केड़ी मिट्टी है जिहड़ी फ्यूसेरियम विल्ट नूं खत्म करदी है, केड़ी मिट्टी है जिहड़ी फसल ते जे फ्यूसेरियम विल्ट हो जाता है, फ्यूसेरियम अगर हो जाता है फसल ते तो उसनूं खत्म कर देंदी है, उस लई केड़ी मिट्टी कारगर हुंदी है। तो अपना आंसर आ जाएगा रेड सोइल। की आ जाएगा जी? रेड सोइल,
ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਸੇਰੀਅਮ ਵਿਲਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਮੈਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਰਤ ਹੈ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ testmafia.in www.testmafia.in ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 999 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ TEST ਟੈਸਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 99 ਰੁਪੀਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਡੋਰਮੈਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਰਟ ਸੀਟ ਕੋਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ, ਸਖਤ ਬੀਜ ਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਡੋਰਮੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਡੋਰਮੈਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਰਟ ਸੀਡ ਕੋਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ, ਸਖਤ ਬੀਜ ਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਸੀਡ ਕੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੋਰਮੈਸੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, AICRP ਔਨ ਡਰਾਈ ਲੈਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈ ਲੈਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ AICRP ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1971 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈ ਲੈਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ AICRP ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1971। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਰਸਟ ਔਰ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਇਨ ਵੀਟ ਇਜ਼ ਕੋਜ਼ਡ ਬਾਏ, ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਜੰਗਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਊਕੀਨੀਆ ਸਟ੍ਰੀਫੋਰਮਿਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਿਊਕੀਨੀਆ ਸਟ੍ਰੀਫੋਰਮਿਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜੰਗਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਊਕੀਨੀਆ ਰੀਕੰਡੀਟਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੀਲੀ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਊਕੀਨੀਆ ਸਟ੍ਰੀਫੋਰਮਿਸ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ਼ੀਤ ਬਲਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲਾਸਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਆਰ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਚੁੱਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲ ਚੁੱਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਲਾਸਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰਬੋਰਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੀਤ ਬਲਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲਾਸਟ ਆਫ ਰਾਈਸ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਏਅਰਬੋਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋਇਲ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏਅਰਬੋਰਨ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚਲੀਏ।
अगला क्वेश्चन है साडा, क्लब रूट इज कॉज्ड बाय, क्लब रूट बीमारी है वो किस कारण होंगी है। की क्वेश्चन है जी साडा, क्लब रूट इज कॉज्ड बाय, क्लब रूट किस करके होंगे। तो इसका आंसर है साडा प्लाज्मोडियम ब्रैसी। की आंसर है साडा प्लाज्मोडियम ब्रैसी। क्लब रूट जोड़ी बीमारी है वो किस करके होंगी है, प्लाज्मोडियम ब्रैसी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई का सब तो वध स्रोत केड़ा है। तो भारत में सब तो ज़्यादा सिंचाई साड़ी होंगी है वैल्स नाल, यानी कुआं नाल। ठीक है, जोड़े अपने बने होंगे खेतों में कुएं उन्होंने भारत में सब तो ज़्यादा सिंचाई होंगी है। एक हूँ आप कल क्वेश्चन किया जो तुम्हें याद हो कि कहड़े राज्य नहर नालों सब तो ज़्यादा सिंचाई होंगी है, केड़ा है जा स्टेट है जिंदे विच कैनल्स नाल सब तो ज़्यादा इरीगेशन किया जाता है, तो वह है साडा पंजाब। पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा सिंचाई होंगी है वह किंदे नाल होंदी है, नहरां दे नाल। ये साडा कल का क्वेश्चन है। जे तुहानू वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो नू लाइक जरूर करो, शेयर करो आपके दोस्तों नाल, चैनल नू सबसक्राइब कर लो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साडा, दी हस्ट राइस इज कॉल्ड एस, जेडे भूसे चौल होंगे उन्होंने की कहा जाता है। तो भूसे चौलों को कहा जाता है ब्राउन राइस। ठीक है जी, ब्राउन राइस में आप कहने डिहस्क राइस, यानी जिन्हों का छिलका उतरिया होंगे। तो डिहस्क राइस किनू कहें, भूसे चौल किनू कहें, ब्राउन राइस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साडा, द सेंटर ऑफ ओरिजन ऑफ सनफ्लावर इज, कहता है कि जो सनफ्लावर का ओरिजन है मूल है ओ की है, तो वो है साडा मैक्सीको। ठीक है जी, सनफ्लावर का जोड़ा ओरिजन है वो की है, मैक्सीको। इस तरह का क्वेश्चन आप कल भी किया कि जोड़ा फिंगर मिल्ट है, की क्वेश्चन किया, फिंगर मिल्ट, फिंगर मिल्ट का ओरिजन की है। जिस किसी आंसर याद है तो वह हने दे हने कमेंट करके जरूर दसे कि फिंगर मिल्ट का ओरिजन की सीगा। आप कल तुम्हें दसिया फिंगर मिल्ट का मूल की है या फिंगर मिल्ट की उत्पत्ति का केंद्र केड़ा है, दसो जिन्हों छेती जी आता है कमेंट करो जल्दी जी। तो मैं तुम्हें दसनी हाँ फिंगर मिल्ट की जीड़ी उत्पत्ति का मूल है या उत्पत्ति का केंद्र है वह है साडा इंडिया। ठीक है जी, फिंगर मिल्ट की उत्पत्ति का जोड़ा मूल है वह की है, इंडिया। अज साडा क्वेश्चन है कि सनफ्लावर की उत्पत्ति का जोड़ा केंद्र है वह की है, मैक्सीको। ठीक है जी, चलो अगे बढ़ने हाँ। अगला क्वेश्चन है साडा, हू इनवेंटेड द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की खोज किन्ने की। ठीक है जी, तो इसका आंसर है ल्यूवेन हॉक ने। किन्ने की माइक्रोस्कोप की खोज, ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साडा, ट्रेड नेम ऑफ सल्फोसल्फरॉन, सल्फोसल्फरॉन का व्यापारक नाम की है। तो इसका व्यापारक नाम है लीडर, याद करना है तुसी, सल्फोसल्फरॉन का व्यापारक नाम की है, तो इसका नाम है लीडर। चलो जी, हुण आपां इस तरह के क्वेश्चन कल भी किया सी, वह भी दसो, टॉक ई फाइव, की याद किया सी आपां, टॉक ई फाइव, टॉक ई फाइव का व्यापारक नाम की है। जिस किसी नूं ये आंसर याद है वह छेती जी कमेंट करे कि टॉक ई फाइव का व्यापारक नाम की है। टॉक ई फाइव का व्यापारक नाम असीं किया सी नाइट्रोफेन, की किया जी नाइट्रोफेन। तो दोनों क्वेश्चन एक दूजे नाल रिलेट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है सल्फोसल्फरॉन का व्यापारक नाम है लीडर, तो टॉक ई फाइव, टॉक ई फाइव का व्यापारक नाम है नाइट्रोफेन। तो ये साढ़े अज के 15 क्वेश्चन, जे थानू वीडियो चंगी लगी है तो तुसी इसनू लाइक जरूर करो। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेने हाँ जो तुहानू ये क्वेश्चन चंगी तरह याद हो जाए। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन साडा की सीगा, पहला क्वेश्चन सीगा कि बबल सिस्टम ऑफ इरीगेशन की प्रैक्टिस कित्थे कीती जांदी है, वाइडली स्पेस्ड फ्रूट और चार्ज। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन सीगा, किस तरह का पानी है जिंदा प्रैशर 1/3 ATM तो 31 ATM के विच रखा जाता है, वह है साडा कैपीलरी वॉटर, केशका नल द्रव। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि पिंडी विच जिहड़ा YMCA है वह किस करके ट्रांसमिट हुंदा है, तो वह हुंदा है वाइट फ्लाई दे करके। नैक्सट क्वेश्चन, विच सोइल फेवर्स एंड मेक फ्यूसेरियम विल्ट सेवर ऑन क्रॉप, केड़ी मिट्टी है जिहड़ी फ्यूसेरियम विल्ट ते
खराब विल्ट नूं खत्म कर देंदे तो वह है साड़ी रैड सॉयल। नैक्सट क्वेश्चन है साड़ा एटमोसफेयर की सब तो गर्म परत केड़ी है तो वह है स्ट्रैटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है डोरमेसी ड्यू टू हार्ड सीड कोट इज कॉल्ड एज उसनों आप कहने हाँ इनेट। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है साड़ा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से जी AICRP सी कदों स्टार्ट हुई सी तो उसनों स्टार्ट किया गया सी 1971 दे विच। अगला क्वेश्चन है येलो रस्ट और स्ट्राइप इन वीट इज कोज बाय कनक विच जी पीली कुंगी आ जाती है जो तारी आ जाती है वह किन्दे करके आती है वह आती है प्यूकिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है साडा शीथ ब्लेट ब्लाइट एंड ब्लास्ट ऑफ राइस आर द टाइप ऑफ डिसीज रिस्पैक्टिवली तो शीत ब्लाइट है वह एक तरह का मिट्टी का डिसीज़ है तो जोड़ा ब्लास्ट ऑफ राइस है वह एक तरह का एयरबॉर्न डिसीज है। अगला क्वेश्चन है क्लब रूट इज कॉज बाय क्लब रूट है वह किस दे करके होंगे होंगे प्लाजमोडियम ब्रैसी। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया भारत में सब तो ज़्यादा सिंचाई किस नाल की जाती है वह की जाती है वैल्स के नाल। नैक्सट क्वेश्चन है डिहस्ट राइस इज कॉल्ड एज पूसे चौल किनू कहा जाता है ब्राउन राइस नू। अगला क्वेश्चन है कि सनफ्लावर की उत्पत्ति का केंद्र केड़ा है तो वह है मैक्सीको। नैक्सट क्वेश्चन है साडा माइक्रोस्कोप की खोज किने की सी ल्यूवेन हॉक ने। लास्ट क्वेश्चन है साडा सल्फोसफ्रोन का व्यापारक नाम की है तो वह है लीडर। ठीक है जी। अज वास्ते इन्ना ही। आई होप कि तुहानू ये वीडियो बहुत वधिया लगी होगी। जे तुहानू ये वीडियो वधिया लगी है तो वीडियो नू लाइक जरूर करो जी, वीडियो नू शेयर करो ते चैनल नू सबसक्राइब कर लो ते नाल दे नाल ही www.testmafia.in ते जाके इस क्लास की PDF नू भी तुसी डाउनलोड कर लो ते जे तुसी किसी भी टेस्ट सीरीज़ नू ज्वाइन करना चाहते हो तो तुसी इस वैबसाइट ते जाके टेस्ट सीरीज़ नू ज्वाइन कर सकते हो। आपा मिलते हैं अगली वीडियो विच। उदों तक बाय बाय, टेक केयर।